अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 41वां अधिवेशन मंडी के मां भीमा काली मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्ष 2020-21 की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील ठाकुर प्रांत अध्यक्ष तथा विशाल वर्मा प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए। ये जानकारी एबीवीपी जिला कांगड़ा के विभाग संयोजक अभिषेक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में कुल 98 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर व बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में पढ़ने वाले छात्रों से वसूली जा रही भारी भरकम फीस से शिक्षा आम गरीब छात्र की पहुंच से बाहर हो रही है, जिसे विद्यार्थी परिषद किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय सहित छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इन मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करेगी। अभिषेक कुमार ने कहा कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि स्कूल प्रबंधन अप्रैल माह से अभी तक की ट्यूशन फीस के अलावा सभी प्रकार के शुल्क फिर से ले सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है व प्रदेश सरकार से ये मांग करती है कि जब पिछले 8 महीनों से सभी स्कूल बंद हैं, ऐसे में ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की फीस ली जाना तर्कसंगत नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस स्थिति के अंदर प्रदेश सरकार सकारात्मक कदम उठाए ताकि बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सके। विद्यार्थी परिषद का 41वां प्रांत अधिवेशन है वो छोटी काशी मंडी भीमाकाली परिसर में संपन्न हुआ है, जिसमें विद्यार्थी परिषद के 2020-21 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील ठाकुर जी व प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा जी को निर्वाचित किया गया। इसमें विद्यार्थी परिषद के 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य व प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य। शैक्षणिक परिदृश्य में अगर हम बात करें कि किस तरह से कई जो हमारे IIT की बात करें या कई भी एम्स की बात करें, वो किस तरह से उनका कार्य निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है, परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्यकाल कार्य अभी तक भी 9 सालों से किस तरह से लटका हुआ है, उसका विद्यार्थी परिषद पूरा कड़ा विरोध करती है और अपने आंदोलनों के माध्यम से सरकार को बिल्कुल इसकी चेतावनी देती है कि जल्द से इसका निर्माण करें। और दूसरी अगर हम बात करें प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य, जिसमें कोरोना के मद्देनजर किस तरह से जो कई लोग बेरोजगार हुए वह अपने घरों को वापस आए, उनके लिए प्रदेश सरकार को कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए कि जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए सरकार कुछ ऐसे रोजगार के प्रावधान करें ताकि उन्हें अपनी आजीविका चलाने में आसानी हो। इस अधिवेशन में सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जितनी भी जारी की गई SOPs थी उसकी पालना करते हुए अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें सभी के हाथ सैनिटाइज करने की बात हो, चाहे वो स्थल सैनिटाइज करने की बात हो, सभी को मास्क बांटने की बात हो, चाहे वह समय समय पर उस स्थल को सैनिटाइज करने की बात हो, पूरे आदेशों का पालन करते हुए इस अधिवेशन का संपन्न किया गया। इसमें कुल 98 संख्या रही पूरे प्रदेश भर से छात्र छात्राओं व अध्यापकों की। वह अधिवेशन हमारा बहुत ही पूर्ण रूप से सफल रहा।